तो दोस्तों इस हफ्ते होने वाले स्मैकडाउन पर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले सेमी जॉन और रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर पर अपना निशाना साधा है। तो क्या है पूरी खबर जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो दोस्तों स्वागत है आपका सलानंद पे। तो दोस्तों हमने पिछले हफ्ते स्मैकडाउन पर देखा था कि सेमी जॉन ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप के नंबर वन कंटेंडर के लिए मैच जीत लिया था, और इस मैच के अंत में काला बैक्स्टर ने आकर एक शॉकिंग न्यूज दी थी। उन्होंने कहा था कि ब्रॉक लेसनर का सस्पेंशन अब लिफ्ट कर दिया गया है और ब्रॉक लेसनर नेक्स्ट फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पर आ रहे हैं। और दोस्तों इस चीज के सुनते ही वहां पर खड़े स्मैकडाउन के ऑफिशियल जिन्होंने ब्रॉक लेसनर को सस्पेंड किया था और बैक स्टेज बैठे रोमन रेंस के तो होश उड़ गए थे, क्योंकि रोमन रेंस ने स्मैकडाउन के शुरुआत में ब्रॉक लेसनर को नंबर वन लूजर बताया था, और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि उनको रूमर्स पर विश्वास नहीं कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न आ रहे। लेकिन जब यह न्यूज सच हो गया तो रोमन रेंस ने अपने स्टेटमेंट को दोबारा से दोहराया। दरअसल WWE ने एक वीडियो ट्वीट करा था जिसमें रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर को नंबर वन लूजर बता रहे थे, और इसी पर रोमन रेंस ने अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि नो लाइज टोल्ड, स्पीकिंग फैक्ट्स अबाउट एवरीवन एवरी वीक ऑन माय शो। यानी कि रोमन रेंस के कहने का मतलब था कि ब्रॉक लेसनर सच में लूजर है और वो कोई झूठ नहीं बोल रहे, और अपने शो स्मैकडाउन पर वो सभी के बारे में असली फैक्ट्स बताते हैं। और दोस्तों रोमन रेंस के अलावा एक और WWE सुपरस्टार जो कि फ्रस्ट्रेट है ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को लेकर, वो है सेमी जॉन। सेमी जॉन का भी हमें स्टेटमेंट देखने को मिला था ब्रॉक लेसनर पे। दोस्तों सेमी जॉन ने कहा था कि उन्होंने नंबर वन कंटेंडर का मैच जीता है, लेकिन ब्रॉक लेसनर बीच में आकर अच्छा नहीं कर रहे। दोस्तों हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर को रोमन रेंस से पहले सेमी जॉन से टकराना पड़ जाए यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच गेन करने के लिए। तो कल का स्मैकडाउन काफी खास होने वाला है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का रीमैच होता तो कौन सा सुपरस्टार जीतेगा, ट्राइबल चीफ रोमन रेंस या फिर बेस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले अपडेट्स के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।